तो सबसे पहले हम बॉक्स की अनबॉक्सिंग की बात करें तो बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिलता है सबसे पहले जो हमारा बीस्ट गेमिंग लैपटॉप है वो MSI GF6611UC, और साथ में इसके यहाँ पे हमको देखने का मिलता है ये जो इसका 150 वॉट का जो ये चार्जर है ये, और साथ में यहाँ पे देखने को मिलते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स। तो इन यूज़र मैनुअल्स डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इनके अंदर हमें जो मिलती हैं चीज़ें उसमें है सबसे पहले ये एक F3 होट की रिकवरी फंक्शन, मतलब आप इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि अगर आपका जो विंडोज़ है आपको उसको रीसेट करना हो किस तरह से करना है। और साथ में यहाँ पे आपको मिलती है एक यूज़र गाइड, और ये चार्जर की बात करो तो ये 150 वॉट का क्विक सपोर्ट वाला चार्जर है, और इस चार्जर पे कहीं पे भी LED इंडिकेटर नहीं दिया हुआ है जिससे कि आपको ये पता लगे कि ये ऑन है कि नहीं। यहाँ पे हम लैपटॉप की बात करें तो जो लैपटॉप का बैक पैनल है इस पर यहाँ पे MSI का लोगो बना हुआ है, ये लोगो किसी तरह से भी जलता नहीं है जैसे अदर गेमिंग लैपटॉप आते हैं उनके अंदर जो बैक लोगो होता है जिसे वो बैकलिट से जलता है, मतलब उसके अंदर LED होता है, लेकिन यहाँ पे MSI ने बिल्कुल सिंपल लोगो रखा हुआ है। और जो पीछे की बैक पैनल की इसकी बात करें तो यहाँ पे ये हाल फिलहाल तो इस पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं लग रहे हैं, लेकिन मैंने इसको टाइम के साथ यूज़ किया तो ये थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट तो ले ही लेता है। तो चलिए हम फटाफट इसके जो पोर्ट हैं वो देख लेते हैं। तो इसके लेफ्ट साइड में जो पोर्ट की बात करें तो यहाँ पे सबसे एंड में आपको दिखने को मिल रहा है जो है चार्जिंग का पोर्ट है। तो ये जो चार्जिंग का पोर्ट है इसके आगे की तरफ यहाँ पे है ये जो एयर वेंट के लिए जगह है वो दी हुई है। यहाँ पे 3.0 वाली एक USB स्लॉट है, और साथ में यहाँ पे एक आगे की तरफ है 2.0 वाले स्लॉट। लैपटॉप के फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कोई मेमोरी कार्ड रीडर वगैरह कुछ भी नहीं है। दाई तरफ की बात करें तो यहाँ पे एक LED स्टेटस इंडिकेटर है, और यहाँ पे एक 3.5 mm जैक का है, और एक 3.0 का USB, और एक टाइप सी का USB पोर्ट, और एक HDMI पोर्ट है, और सबसे एंड में है जो है RJ45 वाला जो LAN और वाला पोर्ट है। तो यहाँ पे आप पीछे की साइड की बात करें तो यहाँ पे पीछे की तरफ है वो एयर इनटेक के जो वेंट है वो दिए हुए हैं, और दोनों तरफ एक एक वेंट दिया हुआ है जहाँ से कि हवा अंदर जाती है और जो वेंटिलेशन है उसके लिए बनाए हुए हैं। और यहाँ नीचे की तरफ की बात करें तो यहाँ पे एक यूनिक सा डिज़ाइन दिया हुआ है पूरे में वेंटिलेशन के लिए, ओपन ऑलमोस्ट ओपन वाला पैनल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर के जो पार्ट्स है वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे ओपन वाला पार्ट दिया हुआ है इसकी क्वालिटी थोड़ी सी मुझे डाउटफुल लग रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नुकीले या शार्प ऑब्जेक्ट आपने रख दिया तो हो सकता है कि ये जो पतली पतली रिजेज हैं ये टूट जाए। यहाँ पे लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे जो है ये स्पीकर के आउटपुट हैं, यहाँ पे दोनों साइड दो स्पीकर दिए हुए हैं, और जो स्पीकरों के आउटपुट है वो इतना कुछ खास लाउड नहीं है, थोड़ा सा कम ही लगा मुझे। इस लैपटॉप में बात करें तो यहाँ पे जो दो स्लॉट हैं वो रैम के मिलते हैं, जहाँ पे दोनों में आप 16 GB की भी रैम लगा सकते हैं, 32 GB की भी लगा सकते हैं। बताया जाता है कि ये 64 GB रैम तक सपोर्ट करता है। तो चलिए देखते हैं एक हाथ से लैपटॉप को ओपन करके देखते हैं कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो बढ़िया से तो यहाँ पे फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ पे जो ऊपर की साइड है वो 720p का एक HD कैमरा दिया हुआ है वेबकैम के लिए, और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ सामने की साइड आपको नीचे की साइड यहाँ पे MSI की जो न्यू वाली ब्रांडिंग है वो मिल जाएगी, और यहाँ नीचे की साइड कुछ पेंट्स दिए हुए हैं जो कि हवा पास होने के लिए दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें इंटेल कोर i7 और GeForce RTX का लोगो मिल जाता है, और यहाँ पे कीबोर्ड है जो कीबोर्ड की लेंथ है वो काफ़ी बड़ी, यहाँ पे जो नम कीपैड है वो अलग से दिया हुआ है, और जो कीज की चौड़ाई है वो काफ़ी बढ़िया है, मतलब कंफर्टेबली जो है आप जो अपनी फिंगर से वो प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एक कीबोर्ड के जो पीछे बैकलिट है वो एक सिंगल कलर की है रेड कलर की, और उसको कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे एक डेडिकेटेड स्विच दिया हुआ है जिसके थ्रू 4 लेवल्स हैं यहाँ पे, और ये राइट कॉर्नर पे यहाँ पे जो है पावर का स्विच दिया हुआ है, और यहाँ पे साथ में एक LED इंडिकेटर दिया हुआ है। इसी तरह से जो नम लॉक है वहाँ पे भी एक LED इंडिकेटर दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे जो ये म्यूट का की है और ये माइक का की और म्यूट का की, यहाँ पे भी एक LED इंडिकेटर है, साथ में जो लॉक की है वहाँ पे भी एक LED इंडिकेटर दिया हुआ है, कैप्स लॉक पे भी यहाँ पे इंडिकेटर दिया हुआ है, शिफ्ट पे नहीं है। और यहाँ पे जो ये ट्रैक पैड है, ट्रैक पैड काफ़ी छोटा है क्योंकि गेमिंग लैपटॉप में ट्रैक पैड का कुछ खास यूज़ नहीं आता, लेकिन ठीक है, अच्छा है। तो चलिए फटाफट हम इस लैपटॉप को बूट करके देखते हैं।
तो यहाँ पे आउट ऑफ बॉक्स हमें 934 में से 877 GB यहाँ पे फ्री मिलते हैं, और यहाँ पे इनबिल्ट जो नॉर्टन एंटीवायरस है उसका 60 दिन का जो सब्सक्रिप्शन है फ्री मिलता है। साथ ही हमें इनबिल्ट यहाँ पे MSI सेंटर ऐप मिलती है, जिसके थ्रू आप जो बहुत सारे फीचर्स हैं MSI के उनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे साथ ही साथ आप अपने जो लैपटॉप है उसकी परफॉर्मेंस को सुपर परफॉर्मेंस, एक्सट्रीम परफॉर्मेंस मोड, बैलेंस मोड, पावर सेविंग मोड, इन सब पे सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपका सिनेरियो, मतलब आप कैसा काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो MSI सेंटर है उस पर जो अवेलेबल फंक्शन है उनका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो MSI की जो स्पेशल नेहमी के साउंड ऐप है वो मिलती है, इसके थ्रू आप यहाँ पे इसको जो इफेक्ट है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू म्यूजिक, मूवी या गेम मोड, उसके अकॉर्डिंग जो इस पर्टिकुलर ऐप के थ्रू जो एक्स एनहांस्ड साउंड इफेक्ट है वो आप इसको फील कर सकते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये है MSI का ताना GF6611UC, यहाँ पे इनबिल्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 का 64 बिट का वर्जन मिलता है। जो प्रोसेसर है उसमें 8 कोर है, 16 थ्रेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंटेल कोर i7 का 11 जनरेशन का प्रोसेसर है। ये 2.3 GHz का जो है वो प्रोसेसर है, और इसकी जो मैक्स टर्बो मैक्स स्पीड की बात करें तो ये 4.6 GHz तक जा सकता है। यहाँ पे ये 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ट प्रोसेसर है, जिसकी TDP मतलब थर्मल डिजाइन पावर जो वैल्यू है वो 45 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें 8 कोर है और 16 इसमें थ्रेड मतलब 16 लॉजिकल CPUs है। मदरबोर्ड की यहाँ पे बात, ये इसके मदरबोर्ड का नंबर है। अब हम देखें तो मेमोरी यहाँ पे हमें 8 GB की 2 सैमसंग की DDR4 रैम मिल जाती है, तो दोनों चैनल में 8 8 GB लगाने से यहाँ पे ड्यूल चैनल का जो सपोर्ट है वो मिल जाता है। और यहाँ पे हम वीडियो अडेप्टर की बात करें तो यहाँ पे इंटेल का USD ग्राफिक कार्ड मिलता है, जिसकी खुद की कैपेसिटी है 1 GB। साथ में यहाँ पे हमें मिल जाता है NVIDIA GeForce का RTX 3050 लैपटॉप वाला 4 GB का GDDR6 ग्राफिक कार्ड की खासियत है कि इसमें रे ट्रेसिंग कोर भी है 16, तो जो ये फ्यूचर लेवल की गेमिंग है उन सबको सपोर्ट कर जाएगा। मॉनिटर की बात करें तो यहाँ पे ये 15.6 इंच का 144 Hz डिस्प्ले वाला IPS डिस्प्ले है। ड्राइव की बात करें तो यहाँ पे जो हार्ड ड्राइव है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है किंगस्टन की तरफ से, और एक टीवी की यहाँ पे हार्ड डिस्क है किंगस्टन की तरफ से। वाईफाई की बात करें तो यहाँ पे जो वाईफाई 6 है उसका सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे हम फटाफट जो सिनेबेंच स्कोर है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो MSI की बैलेंस्ड पावर स्कीम है, मतलब जो बैलेंस वाला ऑप्शन है, उसको ऑन करके मैंने यहाँ पे ये सिनेबेंच रन किया है, देखते हैं कितना स्कोर आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्कोर आया है वो 10,976 के आसपास जो स्कोर है वो आया है, और लेफ्ट साइड में आप रैंकिंग देख सकते हैं। और अब जो स्कोर आप देख रहे हैं 10,996 में वो आया है एक्सट्रीम मोड के ऊपर। Wait till you see this view, Lara. Take my hand. The trail leads up the mountain. We'll have a good view of the valley beyond from the summit. All right. Let's take it. I need to jump across. Yeah. Okay. Now grab my hand. Gotcha. तो यहाँ पे हम जो राइज ऑफ द टॉम रेडर है उस गेम का जो बेंचमार्क है टेस्ट वो करके देख लेते हैं कि कितना हमें FPS यहाँ पे मिलता है।
तो यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट जो गेम सीन्स हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे FPS मिल गई है। जैसे माउंटेन पीक्स के अंदर मैक्सिमम 144 Hz की जो है रिफ्रेश रेट यहाँ पे मिली है, सीरिया के अंदर 98 और जियो थर्मल वैली के अंदर 98, तो एवरेज है वो 72 के अराउंड यहाँ पे रिफ्रेश रेट हमें भी देखने को मिली है।